दोस्तों ये है हमारे पास Realme X2 मोबाइल। यहाँ पे देख सकते हैं ये Realme का ब्रांड है, Realme X2 मोबाइल है। तो ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल मैं बहुत ही पहले लिया था, लेकिन अभी जो ये मोबाइल का मैं स्क्रीन लॉक लगाया था, यहाँ पे पैटर्न लॉक लगाया था, तो ये लॉक मैं अभी भूल चुका हूँ। तो आज मैं ये मोबाइल का स्क्रीन लॉक रीसेट करने वाला हूँ। तो रीसेट करके मैं आप लोग को बताने का सोचा, अब ये वीडियो भी बना दूँ तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। अगर आप लोग भी इसी परेशानी में है, आपका मोबाइल का स्क्रीन लॉक आप भूल गए, फॉरगेट हो गए, तो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं रियलमी मोबाइल का। ये रियलमी X2 का नहीं, रियलमी का कोई भी मोबाइल होने दो, आप सेम मैटर को फॉलो करके आप रियलमी मोबाइल का पासवर्ड ढूंढ सकते हैं, पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। रियलमी XT, रियलमी X2, रियलमी का जो भी फोन है, रियलमी ब्रांड का जो भी फोन है, रियलमी UI के साथ चल रहा है, तो आप ये फोन इजीली रीसेट कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप भी रियलमी का मोबाइल का पासवर्ड भूल चुके हो, तो आपके लिए ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली रीसेट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे आप रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना मोबाइल पर अगर चार्ज कम है तो थोड़ा चार्ज दे देना है, कम से कम आपको 50% चार्ज रखना है मोबाइल पर, या हो सके तो फुल चार्ज कर देना। तो आपको करना क्या है, अपना मोबाइल का यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन, पावर बटन है, पावर बटन में दबा के आपको करना क्या, आपका मोबाइल को ऑफ कर देना है। अगर ऑफ करते वक्त यहाँ पे स्क्रीन का लॉक मांग रहा है, यहाँ पे आपका टच में काम नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या, ये जो पावर बटन है इसमें प्रेस करके रखना है। 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, जब तक ये ऑफ नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है। रखने के बाद दबा के रखना है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो मैं ये मेरा मोबाइल को ऑफ कर लेता हूँ। पहले तो आपको ये पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको करना क्या है, रियलमी का मोबाइल में, कुछ मोबाइल में यहाँ पे रहेगा 2 बटन, वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं, ओनली पावर बटन है और वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन यहाँ पे है, तो आपको करना क्या है, ये जो वॉल्यूम का बटन है, तो आपको यहाँ पे ये जो पावर बटन है पावर बटन में, और ये जो वॉल्यूम का, वॉल्यूम डाउन करने का, जो वॉल्यूम कम करने का, साउंड कम करने का जो बटन है, ये दोनों बटन को आप एक ही साथ में प्रेस करके रखना है, आप एक ही साथ में दबा के रखना है। ये दोनों बटन पर एक ही साथ में आपको दबा के रखना है। इसे देख सकते हैं, मैं दोनों बटन को एक ही साथ में दबाया। जब ये रियलमी का यहाँ पे लोगो आ जाएगा ऑन हो रहा है, तो आपको ये पावर बटन को छोड़ देना है, पावर बटन को छोड़ देना है। छोड़ के आपको ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है, इसको आप प्रेस करके रखना है यहाँ पे, ये इसको दबा के रखना है, इसको छोड़ना नहीं जब तक ये पूरा ऑन नहीं हो जाता। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन हो गया, तो आपको यहाँ पे ये बटन को छोड़ देना। यहाँ पे छोड़ने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे इंग्लिश को, इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना। अगर यहाँ पे टच में काम कर रहा है तो टच पे क्लिक करके काम कर सकते हैं, अगर टच पे काम नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या, यहाँ पे जो पावर बटन है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन को आप यूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर डाउन बटन पर क्लिक करोगे नीचे आएगा, और अप बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पे ऊपर जाएगा, और यहाँ पे आपको स्विच ऑफ करने का जो बटन है, इस बटन पर क्लिक करके आप ओके कर सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो गया, देख सकते ये काम करे। तो इसे आपको बटन से काम करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे टच काम नहीं कर रहा है तो। तो आपको करना क्या, यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, एक वेब डाटा, यहाँ पे देख सकते हैं वेब डाटा लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या, वेब डाटा पर आने के बाद आपको पावर बटन पर क्लिक कर देना है। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर है वेब डाटा और नीचे है फॉर्मेट डाटा। तो आपको करना क्या, नीचे का ऑप्शन पर फॉर्मेट डाटा पर आपको यहाँ पर क्लिक करके लेके आ जाना है। फॉर्मेट डाटा पर आने के बाद आपको पावर बटन पर क्लिक कर देना है। अगर टच पर काम कर रहा है तो यहाँ पे टच पर क्लिक कर देना, काम करेगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड दिया है, तो आपको करना क्या, ये वेरिफिकेशन का कोड यहाँ पे टाइप कर देना। मेरा इसमें क्या दिया है, 7091, तो यहाँ पे मैं 7091 टाइप कर लेता हूँ, 7091। तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना। यहाँ पे टाइप करने के बाद फिर से यहाँ पे एक वार्निंग आएगा, ऑल यूजर डाटा विल बी रीसेट, आपका जो मोबाइल का जो भी यूजर डाटा है सब रीसेट हो जाएगा, ये बता रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो आपको करना क्या, यहाँ पर फॉर्मेट पर रेड कलर का जो यहाँ पे फॉर्मेट लगा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये डाटा वाइपिंग चालू हो गया, तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, आपका जो मोबाइल का जो भी डाटा है सब भी डाटा इसको ये क्लीन कर देगा, आपका मोबाइल का जो भी डाटा है सब डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वाइप इट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गया। इस पर ओके पर क्लिक करना, ओके पर क्लिक करते वक्त आपको यह मोबाइल ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक।
यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल ऑफ हो गया, ऑफ होके फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन होगा। ये ऑन होते वक्त यहाँ पे आपको बहुत ही टाइम लगेगा, यहाँ पे 10-15 मिनट भी ले सकता है और 5 मिनट भी ले सकता है, तो ये मोबाइल पर डिपेंड करता है। तो ये रियल मी एक्स टू मोबाइल जो है इसमें तो मिनिमम आपको 10 मिनट ही लगेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट तक आपको रुकना है, आपको मोबाइल का बटियम जो बटन है पावर बटन वॉल्यूम बटन किसी पर आपको प्रेस नहीं करना है, ऐसे ही मोबाइल को आप छोड़ देना है, किसी पर भी प्रेस नहीं करना, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। जब ये पूरा डाटा क्लीन कर देगा, मोबाइल का पासवर्ड उसर सब जब रीसेट कर देगा सब डाटा, तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। बाद में आपको अपना मोबाइल का UI सेटअप करना है। तो अभी फिलहाल कुछ देर रुक जाते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, नहीं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, यहाँ पे 10 मिनट तो लेने वाला है ये मोबाइल। तो यहाँ पे मैं और एक बात ये ऑन होते थे और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, अगर अपना मोबाइल पर आपने जो मोबाइल रीसेट कर रहे हो इस मोबाइल पर अपना Gmail ID ऐड किया हुआ है, जो Gmail गूगल अकाउंट रहता है, ये गूगल अकाउंट आपका इसमें ऐड किया हुआ है प्ले स्टोर में या यूट्यूब में या Gmail पर लॉगिन किया हुआ है, तो आपको ये Gmail ID याद रखना पड़ेगा। तो जब लास्ट में आप जो UI सेटअप करोगे, लास्ट में जाने के बाद आपका Gmail ID पूछेगा, तो Gmail ID अगर पूछे तो आपको यहाँ पर दे देना, यहाँ पे देख सकते हो गए। तो मैं जो बात कर रहा था वो बता देता हूँ पूरा, तो Gmail ID और Gmail ID आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये ऑन नहीं होगा। ये कोई कोई डिवाइस में मांगता है और कोई डिवाइस में यहाँ पे नहीं मांगता है। तो अगर आपका डिवाइस में यहाँ पे पूछ रहा है Gmail ID, तो आपको यहाँ पर Gmail ID डालना पड़ेगा। अगर Gmail ID आप नहीं डालोगे तो आपको यहाँ पर Gmail ID बॉयकट करने के लिए आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आपका इसमें Gmail ID ऐड किया हुआ नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं मांगेगा, नहीं पूछेगा। मेरा इसमें Gmail ID ऐड किया हुआ नहीं है तो यहाँ पे नहीं पूछेगा। अगर आपका इसमें Gmail ID ऐड किया हुआ है तो ये Gmail ID पूछेगा जरूर, जो Gmail ID पहले लॉगिन किया हुआ था इसी मोबाइल पर, वही Gmail ID पूछेगा। तो वही Gmail ID आप यहाँ पर डाल देना, डालने के बाद ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये UI सेटअप करना है, अगर आप UI सेटअप करना जानते हो, आपका Realme का मोबाइल ये जो नया मोबाइल लेते हो जब UI सेटअप करते हो तो सेम ऐसे ही सेटअप करना है, तो यहाँ पे आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप UI सेटअप करना नहीं जानते हो तो आप यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं, मैं आप लोग को सेटअप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे Realme स्मार्टफोन यूजर एग्रीमेंट है, ये तो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करके आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर आके फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल डाटा ऑन रहेगा, तो आपको करना क्या, ये ऑफ कर देना है मोबाइल डाटा को, यहाँ पे ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे नेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे Wi-Fi कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर फिर से स्किप कर देना है। यहाँ पर स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल सर्विस का यहाँ पे एग्रीमेंट आएगा, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा, अगर आप लोग जो मोबाइल का स्क्रीन लॉक है यह सेट करना चाहते तो यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते तो स्किप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेटर कर लेता हूँ, तो बाद में स्क्रीन लॉक लगाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हाई टैप अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे साइन इन करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लेटर करके रख सकते हैं, बाद में करोगे। यहाँ पे लेटर पे कर देना। लेटर पे करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग पुराना किसी मोबाइल से, अगर आप लोग यहाँ पे इस मोबाइल में डाटा जो करना चाहते हो, इम्पोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एप्स रिक्वायरमेंट करेगा, तो आपको ये एप्स अगर डाउनलोड करना है आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ओके करके रख सकते हैं। यहाँ पे पूरा मार्क करके ऑल इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं, ये पूरा एप्स इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करना नहीं चाहते तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते। तो मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे को चाहिए, यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इंस्टॉल हो जाएगा जो Wi-Fi कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पे ऐसे आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं ऐसे आप ये सेलेक्ट करके रख सकते हैं, आपका इसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेटर Wi-Fi ऑन पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर जब Wi-Fi ऑन होगा ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली वेलकम Realme UI आ गया। तो आपको यहाँ पर करना क्या, गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नया जैसे था ऐसे ही हो जाएगा। आपका स्क्रीन का लॉक देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन का लॉक सब भी चला गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, स्क्रीन लॉक नहीं आया। अगर आपको इसमें Gmail ID ऐड किया हुआ है तो लास्ट में यहाँ पे Gmail ID पूछ सकता है, अगर Gmail ID पूछा है तो यहाँ पे Gmail ID डाल देना, अगर नहीं पूछा है तो इसे आप
कर सकते हैं। मेरा इसमें जीमेल आईडी नहीं मांगा है, तो क्योंकि मेरा इसमें ऐड नहीं था इसलिए नहीं मांगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे ही सेम वही मोबाइल है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल का पासवर्ड अभी चला गया, जो पैटर्न लगता है चला गया। पैटर्न लग पासवर्ड पिन लॉक जो भी है सभी आप ऐसे ये मेथड को फॉलो करके आप रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप अपना मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। अगर अपना मोबाइल आप रीसेट कर रहे हो या फोर्ट तरीका जो बताया हूँ वही तरीका फॉलो करके अपना मोबाइल को रीसेट कर पाए हो आप, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो को आप लाइक करके जाना। अगर आप लोग शॉप में जाते तो 1000 रुपये 1500 रुपये तो लग ही जाते, तो इसके बदले में आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना और अपना दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हो सकता है उन लोग भी इसी फंसा हुआ है पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। अगर पासवर्ड लॉक भी नहीं हुआ है तो आप लोग सीख कर रख सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद सीख कर रख सकते हैं। कभी भी काम आ सकता है आगे, जब ये पासवर्ड लगेगा, जो पासवर्ड भूल जाओगे तो कभी भी ये मैटर को आप, अगर ये वीडियो को देखोगे तो ये मैटर को आपको याद रहेगा कैसे करना है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो के यहाँ पे खत्म होता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइट में जो बेल आइकन रहेगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेगा। आपको इस चैनल पर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा। अगर आप दूसरा किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों वीडियो के यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।